क्या आप लोग एक ऐसी फिल्म चाहते हैं जिसमें कि चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम एक साथ एक स्क्रीन स्पेस में आएं? वेल दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, भाईजान सलमान खान चाहते हैं और भाईजान सलमान खान ने इसके लिए कुछ प्रयास भी किए। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बताना चाहता हूं कि जब हमारा चुलबुल पांडे इंट्रोड्यूस हुआ था सिनेमा में, तो ये एक आइकॉनिक फिगर बन गया था। ये जो कॉप है ये करप्ट है थोड़ा सा, लेकिन मॉरली अगर देखा जाए तो ये दिल का अच्छा है और मॉरली वाइज भी बहुत अच्छा है। ये अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, एक तरीके से ये रॉबिनहुड है। और अगर मैं दूसरे कॉप की बात करूं, जो कि एक सुपर क्रॉप है कॉप है जिसका नाम है दोस्तों बाजीराव सिंघम, ये मॉरली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से पॉजिटिव ही सोचता है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बाजीराव सिंघम और चुलबुल पांडे को एक साथ लाना चाहते हैं भाईजान सलमान खान, जिसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति से बात करी और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वो है रोहित शेट्टी साहब, जो कि कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म आती है सिंघम, आती है सिंघम रिटर्न्स आती है, फिर उसके बाद सिम्बा आती है और अब सूर्यवंशी आ रही है। भाई ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली थी कि मैंने बहुत समय पहले ये बात बोली थी रोहित शेट्टी को कि आप सिंघम और चुलबुल पांडे को एक साथ एक स्क्रीन स्पेस में यानी कि एक फिल्म में लाइए। वेल दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन भाई ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और रोहित शेट्टी एक ऐसी तगड़ी मास्टरपीस स्क्रिप्ट के साथ आएं जिसमें कि सिंघम और चुलबुल पांडे एक साथ हों। आपको क्या है कहना? डू यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट द सेम थिंग? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहेगा।